सबसे पहले तो आप लोग अपना परिचय बताएं। हाय, दिस इज सौरभ खन्ना एंड इन दिस मूवी मैं एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। अब तक आपने मुंबई का सिंघम देखा होगा, अब आप हरियाणा का सिंघम देखेंगे। ओके, यस जी, मेरा नाम यसीरा है और मैं इस फिल्म में एक कॉलेज गर्ल मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ जिसे एक पुलिस ऑफिसर से प्यार हो जाता है। अच्छा, कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि हरियाणा गुड़गांव की ये कहानी होगी बेसिकली। जी बिल्कुल। तो आपने कभी नज़दीक से देखा है इस लाइफ को? एक्चुअली देखा तो नहीं है, फिल्मों में देखा है और सुना है। जैसे हालात हैं गुड़गांव के, हरियाणा के, आजकल के इंडिया के जो करप्शन के हालात हैं, तो मैं बस करप्शन के खिलाफ ही फाइट कर रहा हूँ, यही मेरा करैक्टर है इस मूवी में। बाकी तो जब मूवी रिलीज़ होगी तो आप लोग देखिएगा, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ अभी बता नहीं सकता हूँ। इसीरा, आप बेसिकली जो 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 कैरेक्टर आपका है, क्या वो असल जिंदगी में भी आप वैसी ही हैं? मैं बिल्कुल वैसी हूँ, मैं कॉलेज गर्ल हूँ, साथ ही मेरे ख्यालात भी एकदम मॉडर्न हैं और मुझे फिल्म में वही करना था, एकदम नेचुरल एक्टिंग होने वाली है। बस खाली पुलिस इंस्पेक्टर से प्यार नहीं करते? पुलिस इंस्पेक्टर से मुझे कभी प्यार हुआ नहीं, मुझे एक्चुअली किसी से प्यार नहीं हुआ है अपने सिवा, क्योंकि पहली बार मुझे मूवी में पुलिस इंस्पेक्टर से प्यार होने वाला है। सौरभ, आप कहाँ से हो, कैसी ये फिल्म आप तक पहुँची? मैंने ऑडिशन दिया था इसके लिए, बहुत ऑडिशन दिए हैं मैंने, तो ऑडिशन से मुझे सेलेक्ट किया गया तो मिल गया, और कुछ नहीं, बस थोड़ी मेहनत की, ऑडिशन में पसंद आ गया डायरेक्टर सर को तो दे दिया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि आपका जो कैरेक्टर है और आप असल में रियल, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ सिमिलर है या कॉमन है? एक्चुअली कॉमन तो खैर, मैं रियल में तो पुलिस ऑफिसर हूँ नहीं, राइट, तो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा कि 100% जो मुझे कैरेक्टर दिया है उसको अपना 100% निभाऊँ, तो इससे रियल लाइफ का तो कुछ लेना देना है नहीं। वैसे जो होता है ये करप्शन वगैरह ये नहीं होना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। बस इसीरा, आपकी क्या कहानी है, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली की हूँ लेकिन यहाँ मुंबई में कुछ साल पहले शिफ्ट हो गई एंड अभी मैं कॉलेज गर्ल हूँ। और कॉलेज गर्ल एक मॉडर्न युवा होने के नाते ऐसे प्रॉब्लम्स को रेस करना, करप्शन, रेप्स, इन सब पे सवाल उठाना, और मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, ये सुनकर ही, मतलब ये जानकर मुझे, जब मैं रियलाइज़ करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मैं एक युवा होकर बाकी के युवा के लिए एक एग्जांपल बन सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ कि क्या गलत है, कहाँ गलत है, किस कौन सी गलत चीज़ों पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वैसे आप जब दिल्ली से हो आसपास तो आपको गुड़गांव नज़दीक रहा होगा, आपने देखा होगा? नहीं, मैं कभी गुड़गांव नहीं। कभी गुड़गांव नहीं, नहीं। कहते हैं दिल्ली सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए, बेसिकली मुझे नहीं पता, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। आपने क्या ऑब्जर्व किया था जब आप थे वहाँ पे? दिल्ली बाकी सब स्टेट्स की तरह ही एक स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी कम पुरुष जगह है जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे कुछ बुरे लोग रहते हैं, और ऐसे दिल्ली में बहुत सारी जगह है जो काफ़ी सेफ है, तो पूरे दिल्ली को हम गलत नहीं कह सकते, ना ही दिल्ली वालों को कह सकते हैं, हम कुछ चीज़ों को गलत कह सकते हैं कि, और जो वो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है उसको गलत कह सकते हैं। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो था कि मैंने लिटरली यंगस्टर्स को ड्रग्स लेते हुए देखा मेरी गली के पास वाली गली में, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की एंड मतलब ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी का विनाश कर रही है। सोसाइटी का विनाश होने से कैसे बचाया जाए? एक्चुअली ये तो आप फिल्म में ही देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको पूरी स्टोरी अभी बता दूंगा तो फिल्म आप देखोगे नहीं जाके। नहीं, मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा जाके। हाँ, क्या आगे 10 साल बाद आप लोग कहाँ देखना चाहते हो खुद को इंडस्ट्री में? 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, ये तो अभी जो मैं मूवी कर रहा हूँ इसके बाद आपको पता चल जाएगा। खैर, जैसे मैं एक तो पहली बात तो मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, आप मुझे 10 साल बाद जैसे आज आप मिल रहे हो, मेरा नेचर 10 साल बाद भी वैसे ही रहने वाला है। मैं कितना भी बड़ा स्टार बन जाऊँ या कुछ भी बन जाऊँ लाइफ में, तो आप जैसे मैं अभी हूँ वैसे ही आपको 10 साल बाद भी देखूँगा। और लोग ये सब बातें बोलते हैं लेकिन मुझे पता है मैं वैसा हूँ और मैं वैसा करूँगा। इसीरा, आप फिर इसके बाद क्या, ये फिल्म तो चल रही है, उसके बाद क्या फिर से कॉलेज जाना है या फिर फिल्मों में ही कंटिन्यू करना है? जी, मैं एक एक्टर हूँ तो ऑफ़ कोर्स मुझे बॉलीवुड में आना है,
एंड मेरी शुरुआत इतनी अच्छी मूवी जो इतने बड़े इशू को रेस कर रही है, उसे बता रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है, उसका सल्यूशन भी साथ में दे रही है, ऐसे फिल्म में काम करने का मौका मिला है और मैं कोशिश करूँगी कि आगे ऐसी फिल्मों में और काम करूँ, युवाओं के लिए एग्जाम्पल बनूँ और मेरे से बहुत सारे लोगों को फायदा हो और सोसाइटी को विनाश होने से बचाया जाए। यस, थैंक यू, थैंक यू सर। आपका आज जी बताइए, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे आप लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है सागर सलमान पांडे और मैं एक एक्टर हूं, जैसे आप लोग जानते हैं। और आज हमारी एक नई फिल्म का मुहूर्त है, फिल्म का नाम है वंस अपॉन टाइम इन गुड़गांव, सॉरी कुछ फोटो क्लिक कर लेना चलिए। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सागर सलमान पांडे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे मुझे, काफ़ी लोग मेरे फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पर हैं और आप लोग मुझे टैग भी करते हैं। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज मेरी एक फिल्म का मुहूर्त है, उस फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ गुड़गांव। जैसे आपने देखी होगी बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन ये अपने आप में एक डिफरेंट मसाला फिल्म है, क्योंकि जितना क्राइम होता है, जितने लफड़े होते हैं, जितने ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती है, वो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में होती है दिल्ली में और निकल जाते हैं हरियाणा में। तो ये उस बेस फिल्म है और आप लोग देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आज ही उस फिल्म का मुहूर्त है, शुरुआत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से प्यार मिले, आशीर्वाद मिले और ये फिल्म बहुत जल्द कंप्लीट होके बने, रिलीज़ हो और आप लोगों के सामने आए, आप लोग थिएटर में घर भर के जाएं। पांडे जी, इसे क्या किरदार है आपका इसमें? सर इसमें ये एक गैंग की कहानी है, दो गैंग्स हैं, एक दिल्ली की है, गुड़गांव की है, ऐसे डिफरेंट स्टोरी है उसमें। एक वंस मतलब एक मैं हीरो हूँ, दो तीन हीरो हैं इसमें, उनमें से एक मैं हीरो हूँ, एक लीड सेंटर करेक्टर है जो गैंग का मुखिया होता है और वो बहुत सारी बुरी चीज़ें करता है, बाद में वो अच्छी चीज़ों पे कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी इसकी कुछ स्टोरी है। और जब फिल्म बनेगी तो आप खुद ही देखेंगे कि क्या कहानी है। कहते हैं असल ज़िंदगी में भी हम बहुत सारी बुराइयां हमें होती हैं, कई बार हम उन्हें छोड़ते भी हैं, जैसा आपने गैंग में रह के बुराइयां छोड़ी, आप अच्छे आदमी कन्वर्ट हुए, क्या असल ज़िंदगी में भी सागर सलमान पांडे ने कोई बुराई छोड़ी है? यार ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, शायद पहली बार किसी ने पूछा है। एक्चुअल में रियल में भी मैं बहुत बदमाश भी हूँ, बहुत बुरा भी हूँ और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा अच्छा करूँ और लोगों के लिए अच्छा करूँ, लेकिन लोग ऐसे हैं कि उनके साथ जितना भी अच्छा कर दो अपनी बुराई छोड़ ही देते हैं और फिर उस बुराई को दूर करने के लिए बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है। तो ऐसे मेरा इस फिल्म भी रोल है और रियल में भी ऐसा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन अगर किसी ने बुरा किया तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। कुछ सलमान भाई के लिए हो जाए? यार आजकल भाई की अभी फिल्म आ रही है भारत, आपने देखा कि ईद पर रिलीज़ है और वो फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। अभी उसका डायलॉग बाहर नहीं आया है क्योंकि उसका एक छोटा सा टीज़र लॉन्च हुआ है। बाकी की उनकी फिल्म है रेस 3, वो कहते हैं ना कि उस बेवकूफ़ को नहीं पता है और मुझ पर दांव लगाना चाहते हैं, लेकिन उस रेस का सिकंदर मैं हूँ और सबसे आगे मैं हूँ। तो रेस 3 का ये डायलॉग है, ऐसे कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, दुनिया में तीन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करना, आई मी और माई सेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ओके, अच्छी क्वालिटी का मार रहे हैं। रोशन जी, आज बेसिकली क्या शूट किया जा रहा है यहाँ पर और क्या कुछ पाया जी? ये आर के खन्ना साहब की एक फिल्म है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, तो उसी में मैं एक किरदार कर रहा हूँ, रंजीत चौधरी। एक्चुअली स्टोरी गैंग वॉर में है, गुड़गांव में कुछ दो ग्रुप थे जो एक ही से अलग होते हैं, चौधरी गैंग, हमारे चाचा वो होते हैं जो गैंगस्टर थे उनका, फिर आगे अपने को मिलती है बागडोर। लेकिन हमारे एक भाई हैं जो जिनसे थोड़ा सा धोखा वोखा हो जाता है, कहानी क्या बताऊं मैं आपको, तो एक दो गैंग हो जाते हैं, तो उसी पे ये स्टोरी आधारित है। मैं कुछ नेगेटिव किरदार में हूँ इसमें। बेसिकली गुलशन पांडे इस बार कॉप नहीं है, कॉप नहीं, और इस बार नेगेटिव शेड का है या फिर नेगेटिव कैरेक्टर ही है इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, टोटली मतलब कॉप वॉप तो हुई नहीं, थोड़ा हरियाणा का कैरेक्टर है और थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है।
अच्छा, आप अपने आप को कैसे समझाते हो इस फिल्म के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर जब सीरियल आप छोड़ते हो, जब आप कोई फिल्म शूट करते हो, कैसे समझाते हो कि मैं कॉप नहीं हूँ, कैरेक्टर में कैसे नहीं घुसते हो? एक्चुअली कॉप मैंने इतना ज़्यादा किया है कि वाकई अच्छा लगता है। मैं तो मतलब जब रिफ्लेक्टर भी सुनता था बोलता था कोई, तो लगता था कोई इंस्पेक्टर बोल रहा है शायद, तो इतना मैंने किया है कॉप को। और लेकिन क्या, एक कलाकार के लिए ये किसी एक चीज़ में बंधे रहना भी अच्छा नहीं होता है, तो ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे कुछ अलग करने को मिल जाता है कभी कभी, तो बस वही उसका एंजॉय करता हूँ मैं। इसको इसके लिए सोचना कुछ नहीं पड़ता सर, हमको तो लाइंस मिलती रहती हैं, उसके हिसाब से मैं कभी भी कैरेक्टर पे भी काम करना होता है वो लाइन से ही होता है, तो कभी कॉप की मिलती है तो कॉप हो जाता हूँ दो सेकंड में। मैं गुलशन जी, मैं बहुत टाइम से आपको जानता हूँ, बहुत बार इंटरव्यू भी किया मैंने। बेसिकली जो कॉप, जो पुलिस वाला जो फेमस है, बाप ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कैरेक्टर्स को लेकर, वो सारे इतने फेमस नहीं हुए। ये है, ये मतलब शायद मेरी शक्ल पे ही कॉप लगा है, और बहुत ईमानदार कॉप दिखाई देता हूँ, और मैंने काम भी वैसे ही किए, क्राइम पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था मैं, तो दूसरे कैरेक्टर अभी तक वैसा फेमस हो नहीं पाया क्योंकि वैसा बड़ा स्कोप नहीं मिला अभी तक कुछ ऐसा करने को, या लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, या डाइजेस्ट नहीं कर पाए फिर। जो आप करना चाहते हो प्रॉपर वैसा अभी तक नहीं मिला मेरे को, मिला छोटी पिक्चरों में करने को मिलता भी है तो उसका उतना लोग देखते ही नहीं उसको। मैंने बहुत सारे अच्छे रोल्स किए हैं छोटी पिक्चरों में भी, लेकिन वो पिक्चरों का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एक मेरा दुर्भाग्य है, एक फिल्म बड़ी अच्छी थी जिसमें रघुवीर यादव जी, यशपाल शर्मा जी थे, गीतांजलि सिन्हा जी ने एक फिल्म बनाई थी ये खुला आसमान, उसमें मैं जावेद नाम से एक कैरेक्टर मैंने किया था, टोटली नेगेटिव, बहुत अच्छा, लेकिन वो वैसा भी नेगेटिव नहीं था जो मारने पीटने वाला नहीं था, एक द्वेष होता है उनके साथ, रघुवीर जी की फैमिली के साथ, हमारा यशपाल जी के साथ। और फिर भी जब मेरा बेटा हारता है, उसमें कंपटीशन होता है पतंगों का, जिसमें मेरा बेटा हारता है, फिर भी मैं उनके बेटे के जीतने पे भी ताली बजाता हूँ। नेगेटिव था लेकिन एंड में मतलब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था सर, वो करके बहुत आनंद आया था। वो फिल्म मेरे दुर्भाग्य से कहीं है ही नहीं, रिलीज़ हुई थी, वैसी पिक्चरों को मिलता ही नहीं है। मतलब जो अभी भी चाहिए था गुलशन उसकी तलाश है? तलाश है, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मतलब आप सोचिए, जिस उम्र में मैं मुंबई के लिए आया स्ट्रगल करने के लिए, उस उम्र में लोग वापस जाते हैं। मैं 36 साल का था, बेटी 6th में, बेटा 5th में था, और मैंने ये फैसला किया था कि मैं मुंबई में जाके अब स्ट्रगल करूँगा, तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, हमेशा ईमानदार आदमी के साथ हमेशा रहता है भगवान, ईमानदारी से काम करता हूँ सर, कैसा भी हो तो कामयाब होना ही होना है मुझे। अच्छा, जो बेटा 5th में था, वही आपके साथ हो, उसी सीरियल में वो भी कॉप बनता है? नहीं, वो कॉप नहीं बनता, वो अपराधी बनता है ज़्यादातर। बेटा अपराधी बनता है, और एक फिल्म भी की उसने राम गोपाल वर्मा साहब की, जो साउथ का लड़का डायरेक्ट कर रहा है, फिल्म ब्यूटीफुल, उसमें अच्छा किरदार कर रहा है मेरा बेटा। अच्छा, जब बेटा अपराधी बनता है और पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, तो कैसे ट्यूनिंग होती है, मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं, या बेटे को कोई हेजिटेशन नहीं होती कि पिताजी तो पुलिस इंस्पेक्टर? वो पहली स्टोरी में उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि पापा के सामने परफॉर्म करना, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टर है, ब्लेस्ड, ही इज़ ब्लेस्ड, भगवान उसको स्वस्थ रखे, खुश रखे, अच्छा काम करता रहेगा, वो बहुत अच्छा करता है वो। मेरा बेटा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी मेरे साथ करते हैं दूसरे भी, उनको भी मैं अप्रिशिएट वैसे ही करता हूँ, लेकिन क्योंकि बाप बेटा और सामने स्क्रीन पे बैठ रहे हैं अब सामने, और मैं उसको मार रहा हूँ और वो रेप करके आया है वैसा, तो एक वैसी सिचुएशन हो जाती है, आप समझ सकते हैं, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। लेकिन वो एक्टिंग तो एक्टिंग है, तो उसने बहुत अच्छा निभाया मेरे सामने, और मेरे को बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स ये मिलते हैं कि गुलशन जी, आपका बेटा आपसे ज़्यादा अच्छा एक्टर है, तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, बनाने के लिए तो आप उसे कॉपी बना सकते हैं या कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, अपराधी क्यों बनाया? मैं तो कौन होता हूँ बनाने वाला सर, ये तो वो डिसाइड करता है, डायरेक्टर वगैरह डिसाइड करते हैं। और वो कॉप अभी मतलब 25 साल का है, और वो 25 साल से कम का दिखता है, तो उसके लिए अभी कॉप के लिए तो थोड़ा मैच्योर होना ज़रूरी है ना। अच्छा गुलशन जी, बेसिकली इतने सारे इतने एपिसोड्स कुछ पुलिस वाले इस कैरेक्टर से सीखा आपने क्या, बेसिकली पुलिस के बारे में स्पेशली अगर मैं बात करूँ? सर मैंने पुलिस के बारे में सीखा नहीं, मैंने समझा कि ये बड़ा कठिन काम है उनका, बहुत थैंकलेस जॉब है बेचारे, उनकी ज़िंदगी में एक तो छुट्टियां ही नहीं है, दिवाली दशहरा हम लोग अपने परिवार के साथ घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं त्यौहार, वो त्यौहार में भी उनकी ड्यूटी लगी रहती है, और बहुत मेहनत का काम है सर, और जान जोखिम का काम है। आप देखिए कई बार, जैसे अभी तो भगवान की बड़ी दया, हमारे देश में सुरक्षा बहुत अच्छी मजबूत हो चुकी है, नहीं तो आतंकवादी हमले होते रहते हैं, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, कुछ भी हो। बस मेरे को एक चीज़ की बड़ी वो रहती है, हमारे जो समाज में लोग हैं, कहीं पे फ्लड आ जाता है तो सेना को पुलिस को बुलाते हैं, कहीं पे कोई भी आपदा हो जाती है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उनको बुलाना होता है, लेकिन जब कहीं कुछ हमारी खुशी होती है, जैसे हम किसी शोरूम की ओपनिंग हो रही है, तो वहाँ या तो फिल्म स्टार को या किसी नेता को बुलाते हैं,
तो ये हमारे असली हीरो जो है वो पुलिस और मिलिट्री है, इनको शत शत नमन है सर। सर लेकिन ये जो फिल्म पुलिस वालों की इमेज है बिगाड़ने में आपकी फ्रेटर्निटी फिल्मी बिरादरी के बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर बहुत ज़्यादा अहम रोल उन्होंने भी निभाया है? देखिए सर क्या होता है, मेरे को भी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैसी पुलिस आप दिखाते हो वैसी पुलिस तो होती नहीं है। तो मैं इसमें एक्चुअली क्या, पुलिस का काम मैंने बताया ना बड़ा मुश्किल काम है, ये पब्लिक डीलिंग जो है ना, आप अगर दिन में आपको भी 500 लोगों को मिलना हो तो आपका भी मिजाज थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाकई मुंबई पुलिस की तो बहुत तारीफ़ है कि बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हर जगह की पुलिस को बहुत ऑनेस्टली अपना काम करना ही होता है। बाकी तो काम में होती रहती ऊंच नीच थोड़ी बहुत, बाकी मैंने कहा कि हमारी स्टोरी तो वही है, जो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, केस सॉल्व हो गए उन्हीं पे क्राइम पेट्रोल बनता है। वो ऐसे करोड़ों केस होंगे जिन पे काम नहीं हुआ होगा किसी वजह से, कभी ऊपर का दबाव भी होता है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती, कई बार इधर उधर का दबाव भी होता है, नेताओं का दबाव भी होता है, केस पड़े रह जाते हैं। गुलशन जी वैसे आपका मिजाज कितना बदला ये बेसिकली कॉप प्ले करने के बाद? नहीं सर मेरा कोई मिजाज तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, वैसा ही था। ये बस थोड़ी देर के लिए, जब तक आप कैमरा के सामने होते हो तब तक आप कैरेक्टर होते हो, उसके बाद आप जो हो वही होते हो। मैं तो हर सीन के कट होने के बाद गुलशन ही बन जाता हूँ सर, मैं कॉप ऑप नहीं हूँ। बहुत मुश्किल काम है, एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चल रहा है अपना प्रोसेस। अभी किसी ने असल में आपको कॉप समझ लिया हो ऐसा कुछ हुआ अभी? सर एक बार मैं हम लोग भाईंदर में शूटिंग कर रहे थे, मैं मुंबई पुलिस का ड्रेस में था और हमारे पुलिस व्हीकल भी सजा हुआ था, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे और जैसे हमारी गाड़ी पास हुई उनने सैल्यूट किया। तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि वो असली लोग हैं, हम लोग तो क्या हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच सर। गैंग्स ऑफ गुड़गांव और ये हरियाणा की पृष्ठभूमि में है क्योंकि हरियाणा एक बहुत जैसे डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेट है, तो वहाँ की फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़्यादा गहन है क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ समस्याएं भी बड़ी होती हैं। वैसे बेसिकली आप क्या कहते हैं? मैं जो इसमें हीरो हैं उनकी मदर हूँ। सर कैसे आर्टिस्ट फाइनलाइज हुए, कास्टिंग कैसे हुई? कास्टिंग तो मेरे भाई वो नेचुरली टैलेंट के आधार पर ही होती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि शायद आप लोग नए लोग हैं, आप लोगों को सुमित्रा जी के बारे में मालूम नहीं होगा क्योंकि ये हरियाणा की बैकग्राउंड पे फिल्म बन रही है, तो हरियाणवी फिल्मों में हरियाणा में जो फिल्मों को लाने वाले लोग हैं सुमित्रा जी जैसे लोग हरियाणवी फिल्म उद्योग के जन्मदाता हैं। और मेरे लिए मेरी किसी फिल्म में मैं सुमित्रा जी के साथ काम करूँ ये मेरा एक सपना था जो आज पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ी फनकार हैं और आप इनका काम जब देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको नहीं पता, वो आप लोगों को फिल्म देखने के बाद पता लगेगी, समझ में आएंगी। सुमित्रा जी जब सरकार भी कहती है कि गुड़गांव का गुरुग्राम हो गया, मतलब बुराइयां खत्म हो गई, तब फिर से आप लोग उन बुराइयों को क्यों पर्दे पर लाना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, अच्छाई और बुराई तो कोएग्जिस्ट करती है, कोई समाज में आप ऐसा कहें कि नाम बदलने से वो उसका कैरेक्टर बदल जाता है वो नहीं होता है। अच्छाई के साथ बुराई छाया है और बुराई के साथ अच्छाई छाया है, तो ये तो रहती हैं, लेकिन हाँ उसको उजागर करके हम लोग उसमें उसका निवारण ज़रूर करना चाहते हैं जिस हद तक एक आर्टिस्ट कर सकता है। वो आईना दिखा सकता है, उसके हाथ में ताकत नहीं होती है, लेकिन उसके हाथ में ये ताकत ज़रूर होती है कि वो समाज को आईना दिखाए कि भाई ये है यहाँ पे और इसको इस समस्या को आप दिखाएं। वैसे मतलब कि सिर्फ नाम बदला है, बाकी चीज़ें हालात वैसे ही हैं शायद? आप देखिए ऐसा है, नाम बदलने से तो आप रोज़ को कुछ और नाम से बोल लें तो खुशबू नहीं बदलती ना, रोज़ इज़ अ रोज़, कॉल इट बाय एनी नेम। अच्छा जो फिर सरकारें नाम में बदल रही हैं बाकी सारे बहुत सारे जिलों का बहुत सारे गांवों का, तो फिर उससे क्यों आखिर सरकार की क्या सोच होगी, क्यों बदल? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, नाम बदलना सरकार की नीति है, जो वो करना चाहे उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में कुछ नाम होंगे अपने पहले, जो कि जैसे समय समय के साथ बहुत तरह के लोग आए, विक्टोरिया आपको तो पता है, फ्लोरा फाउंटेन बना, विक्टोरिया टर्मिनस बना, तो जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे सुविधा अनुसार उन्होंने अपने नए नए नाम रख लिए जगह के। लेकिन अगर हम देखें तो ओरिजिनल नाम तो वही है जो आज सरकार बदलना चाहती है, और मुझे इसमें कोई गलती तो नहीं नज़र आती। ठीक है,
सर, फिल्म में जब मैंने जैसा कहा कि गुरुग्राम का आप बार एक बार फिर से आप गुड़गांव ही याद दिला रहे हैं, तो कहीं ये जो कहानी है बेसिकली ये कहीं से इंस्पायर्ड है, कुछ ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है, या फिर सिर्फ एक कहानी है और पर्दे पर दिखेगी? देखिए, ये किसी भी मुझसे ये सवाल आपसे पहले भी कई लोगों ने पूछा जी, क्योंकि गुड़गांव में इस तरह के गैंगवार अक्सर पहले भी होते रहे हैं और कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने में सामने आती हैं। पर मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के सामने ये जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि ये किसी भी ट्रू इंसिडेंट से प्रभावित नहीं है। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है जो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सर, फिल्म आपको कब तक लगता है कि कब तक थिएटर्स में आती है? ये देखिए, बहुत सी चीज़ें जहाँ तक रिलीजिंग की है अपने हाथ में नहीं होती, फिर भी जो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, मोस्ट प्रोबली ये फिल्म सितंबर तक रिलीज होनी चाहिए, सितंबर 2019। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम।